हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि 18 जून 2023 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होना है और डेली हम लोग इस एग्जाम को लेकर शाम 7 बजे क्लासेस देख रहे हैं, लेकिन आज क्लास नहीं होगा। और आज के लिए ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी कैंडिडेट 18 जून को अपना एग्जाम देने वाले हैं बिहार आईटीआई का। क्योंकि देखिए, आप तो पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं और मैं भी आपको क्लास रेगुलर ले रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आखिरकार हमें कितना रैंक पर कौन सा ट्रेड मिल जाएगा और कितना रैंक लाना होगा ताकि हमारा इस बार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में एडमिशन हो पाए। ठीक है, तो अगर आप भी आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के माध्यम से लोग समझेंगे कि आखिरकार कितना रैंक लाने पर आपको एडमिशन हो जाएगा, कौन सा ट्रेड आपके लिए बेटर रहेगा और कैसे आप अच्छा रैंक ला पाएंगे। सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बिहार आईटीआई का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो भी कैंडिडेट नए हैं या फिर जानते भी होंगे वो भी। देखिए, आपके एग्जाम में बिहार आईटीआई के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट मेंशन किया है गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपको 150 रहेगी, 300 पूर्णांक के होंगे, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो फिर आपको 2 नंबर दिया जाएगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कोई भी क्वेश्चन गलती कर दे तो फिर आपका नंबर कोई नहीं कटेगा। और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके डाउट होते हैं कि सर हमें निगेटिव मार्किंग ने तुक्का लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है नहीं। तुक्का कैसे लगाया जाता है मैं आपको बहुत जल्द वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। और देखिए, जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ बिहार आईटीआई के लिए, सामान्य ज्ञान हो गया या फिर जीके हो गया, उन सारे क्लासेस को देखिए। हालांकि मैं 16 और 17 तारीख को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाला हूँ आप सभी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो आपका एडमिशन होगा कितने रैंक पर हो जाएगा। तो यह देखिए, मेंशन किया गया मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट, तो जो आपका रैंक कार्ड जारी किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, 2 तरीके से रैंक कार्ड जारी किया जाता है। एक तो आपका पहला जो आपका रैंक दिखाएगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में दिखाएगा आपके कैटेगरी के अनुसार कि आखिरकार आप अपने कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपने ज़िले में कौन से रैंक पर हैं। साथ ही आपको स्टेट वाइज यानी कि बिहार में कौन सा रैंक है ये भी आपको दिखाएगा। अभी मैं आपको रैंक भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर देखिए डिटेल में जानकारी मेंशन किया गया है कि आखिरकार आप मेरिट कैसे बनेगा और दो कैंडिडेट का यहाँ पे जो नंबर है समान हो जाता है तो फिर कैसे आपको उनको आगे पीछे किया जाएगा उसके बारे में मेंशन किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक कैंडिडेट का मैंने जो काउंसलिंग हुआ था स्क्रीनशॉट ले रखा है। और यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले मैं रैंक दिखा दूँ ताकि आपको बिलीव हो कि आखिरकार हमारा एडमिशन होता कैसे है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इनका 2 रैंक दिखा रहा है। यूआर में देखिए, यहाँ पर इनका जो रैंक है वो कितना है और बीसी में कितना रैंक है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। यूआर में जो इनका रैंक है 105 है और बीसी में इनका जो रैंक है 45 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनको कौन सा ट्रेड मिला है, तो इनको जो ट्रेड मिला है वो है डीजल मैकेनिक। ठीक है, तो आप बात आती है कि आखिरकार हमें कौन सा ट्रेड चाहिए या फिर आपको कौन सा ट्रेड चाहिए, आपको ये समझना जरूरी है। जैसे कि आपके मन में डाउट होगा कि सर हमें जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, फिटर चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो है इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए मांग करते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और फिटर बहुत ही अच्छे ट्रेड है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के इच्छुक हैं तो फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 या फिर कह सकते हैं कि 20 रैंक के अंदर ही आना होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, रोहतास से हो, गोपालगंज, शिवहर, कैमूर या फिर सारण हो गया, सिवान हो गया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपको अगर इलेक्ट्रीशियन और फिटर चाहिए तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में 20 रैंक से कम लाना होगा, तो आपको ये दोनों में से कोई ट्रेड मिल सकता है। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर इतना रैंक तो हमसे नहीं आ पाएगा, तो देखिए मैं बता दूँ कि जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर की सीटें होती हैं ये बहुत ही कम होती है, लेकिन उन्हीं कैंडिडेट को ये सीटें मिलती है जिनका रैंक अच्छा होता है। जैसे कि अगर आपका रैंक आता है डिस्ट्रिक्ट भर में 25, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका रैंक आ जाता है 25 और मेरा रैंक आ गया 20। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो काउंसलिंग करूँगा, तो मैं अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन डाल देता हूँ तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रीशियन मिलेगा न कि आपको। ठीक है, इसलिए जो आपको रैंक बहुत ही मैटर करता है, और अगर आप अच्छा रैंक ला पाते हैं तभी आपका जो अच्छा ट्रेड मिल पाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फीटर और बहुत सारे ट्रेड हैं। हालांकि आपको यहाँ पर कोई कैंडिडेट फेल नहीं होते हैं, अगर आपका रैंक खराब ही आता है तो यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेड
ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन आपका जो मनपसंद ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर और बहुत सारे ट्रेड जो कि आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर हम इतना अच्छा रैंक लाए कैसे। तो देखिए, रैंक लाने की सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जो मैं आपको क्लासेस ले रहा हूँ उसको देखिए, और आपको एग्जाम में तुक्का जरूर लगाना है। ठीक है, तुक्का कैसे लगाना है इसके रिगार्डिंग में बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन याद है उसको रंग लीजिएगा, इसके बाद आपको तुक्का लगाना है, तुक्का कैसे लगाना होगा बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर चाहिए तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20 से कम अगर आपका रैंक आता है तो फिर आपका जो है एडमिशन हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन और फिटर में। अगर आपका रैंक ज़्यादा भी आता है तो आपको किसी न किसी ट्रेड में एडमिशन हो जाएगा, जैसे कि इनका देखिए बीसी कटेगरी में जो रैंक है 45 है और ईवर में 105 है, तो फिर इनका एडमिशन कैसे हुआ, डीजल मैकेनिक में हो ही गया। इसी तरह से आपको कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रयास यही करना चाहिए कि आपको अच्छा ट्रेड मिले और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाए। ठीक है, तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लासेस देखते रहिए, बिहार आईटीएस संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।